तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूँ नॉन रिटेल नॉन चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज हम एक बहुत ही बैड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि जियो की तरफ से आने वाला बहुत ही एक बैड न्यूज़ जो रिटेलर और यूज़र दोनों के लिए बहुत ही एक बैड न्यूज़ बोल सकते हो। ओके तो बैड न्यूज़ ही है, तो क्या है वो डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो को जरूर इन तक देखना। ओके तो चलो सबसे पहले बैड न्यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो जियो में लगभग 2 माह पहले आप सभी को पता है कि जियो में एक ऑफ़र आया था जिसको बोले बोगो ऑफ़र। आप अगर जो जियो फोन यूज़र है, ओनली जो जियो फोन यूज़र है वो 75 रुपीज़, 125 रुपीज़, 155 रुपीज़, जो 75 रुपीज़, 125 रुपीज़ और 155 रुपीज़ का जो रिचार्ज वाला पैक था, इतने तीनों जो पैक था इसमें अगर आप लोग 1 माह का रिचार्ज कर रहे होते तो वहाँ पर 2 माह का रिचार्ज मिला है, जो सेम ही रिचार्ज 2 माह का पैक मिल रहा था आप लोगों को। तो इसके बारे में तो जियो ने धूम मचा दिया था जब ये ऑफर लाया गया था, तो इसमें धूम मचा दिया था कि आप 75 रुपीज़ का रिचार्ज करो 2 माह का रिचार्ज मिलेगा जो भी पैक है, उसके बाद 125 रुपीज़ का रिचार्ज करो जो भी पैक मिलेगा 2 माह मिलेगा, उसके बाद 155 रुपीज़ का रिचार्ज करो जो भी पैक मिलेगा 2 माह का आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बट इस ऑफर को जब उन लोगों ने हटाया है जियो ने, तो एक भी रिटेलर को, ग्रुप में बोलो को, मतलब किसी भी जगह पर एक भी मैसेज नहीं किया है कि ये जो बोगो ऑफर और जो डबल रिचार्ज वाला ऑफर है ये ख़त्म हो गया है। ओके तो देखो मुझे भी नहीं पता था, लगभग 3-5 दिन पहले शायद, मैं गारंटी से नहीं बोल सकते बट ये ऑफर को बंद कर दिया गया है। और मैंने कल या परसों मैंने रिचार्ज कर रहा था तो वहाँ पर इस बोगो जो ऑप्शन दिखा था तो वो बोगो मतलब नहीं दिखा है। और मेरे को भी एक कस्टमर ने बताया कि 2 माह का जो रिचार्ज है वो क्या है, तो मेरे थोड़ा सा खटका लगा। ओके तो उसके बाद मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि ये रिचार्ज ऑफर बंद कर दिया गया है। मैंने भी 2-3 लोगों को पूछा तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं, मतलब हमें भी कोई जानकारी नहीं कि ऑफ़र बंद हो गया है। ओके तो एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि देखो बंद अगर करना है तो जिस तरह से इस ऑफ़र को फेमस किया था उस तरह से इस ऑफ़र को भी बंद करना चाहिए था। ओके क्योंकि देखो सबको पता था कि 1 माह का रिचार्ज करोगे तो 2 माह का पैक मिलेगा, इस तरह से कस्टमर को भी, मतलब जो भी रिटेलर है वो भी बताते हैं उसका रिचार्ज मतलब बढ़ाने के लिए वो भी बताते हैं। तो देखो मैं भी कल ने परसों मैंने एक कस्टमर को बोल रहा था कि आपको गारंटी 2 माह का रिचार्ज मिलेगा, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये ऑफ़र ख़त्म हो गया, तो मैंने उसको फिर से बोल दिया। ओके तो इस तरह से बहुत सारे रिटेलर को बहुत सारे दिक्कत हो, मतलब हो भी रहा है और उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब आप अगर इस टाइम पर गारंटी बोल दोगे उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही होगा। ओके क्योंकि कोई 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 रिटेलर तो 10-20 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी लेता है। ओके तो देखो फाइनली ये ऑफ़र बंद हो चुका है, और आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था ज़रूर कमेंट पे तो एक बार ज़रूर बता देना यार। और सबसे पहली बात तो मेरे बात सुनने की बात है, अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर एक बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लेना और उससे पूछ लेना सर क्या ये जो डबल रिचार्ज वाला ऑफ़र ये अभी भी है या बंद हो गया है। ओके तो मैंने जितने भी चेक किया सभी में ये ऑफ़र बंद दिखाया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा चेक करके बताओ। मैंने अपने जो भी यहाँ का जो जियो स्टोर का मैनेजर है उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोल रहे हैं कि ये ऑफ़र कुछ दिन पहले बंद हो गया है, तो इस वजह से मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ और कस्टमर को भी नहीं मिले, क्योंकि पहले जब लापू से रिचार्ज करने जा रहा था तो ऑफर बोगो ऑप्शन देखा था, मतलब डबल बोल रहा है और अभी कुछ भी नहीं देख रहा है, अभी जो भी पैक पहले था वही पैक है, डबल ऑफर वगैरह सब ख़त्म है। बट मेरे को एक चीज़ का ही ख़राब लगा है कि जब ऑफ़र आया था तो बहुत अच्छा फेमस किया था ऑफ़र को, गुरु में सिया टेढ़ा बहुत कुछ, बट जब बंद हुआ तो एक मैसेज तो करना चाहिए था ना सभी डिटेलर को या ग्रुप में भी एक मैसेज, तो उस तरह का कुछ भी नहीं मिला। आपको मिला नहीं मिला ज़रूर कमेंट में आके एक बार बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जॉइन बंद हुआ था, थैंक यू, बाय बाय।